मैं जलालम से अकेली आई हूँ, इस्लामाबाद पहुँच गई, गेस्ट हाउस गई, वहाँ से भागी, सड़कों पर सोई, भिकारन बन गई, पुलिस के पास पहुँच गई, फिर आपकी गाड़ी से टकरा गई और आपके साथ रहने लगी। शायान मिला, सवालों के जवाब मिले, जिंदगी में मकसद मिला। बेगर आपने फैन बनना ही है या इम्प्रेस होना ही है, तू नेचर से हो, नेचर कभी भी आपको मायूस नहीं करेगी। आप दोनों हैं कौन? मैं तुम्हारा चचा बातूर खान। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, मैं आता हूँ फिल्मों में। मैं सारा बचपन ख्वाब देखती रहती थी, बल्कि ख्वाब नहीं, मैं दुआएं मांगती रहती थी कि अल्लाह ये जहरीली गैसें खत्म कर दे ताकि मैं दुनिया देख सकूं। मैंने कभी टीवी पे ड्रामा नहीं देखा। मैं पहली लड़की से मिला हूँ जो पाकिस्तान में रहते हुए ड्रामा नहीं देखती। मैंने कभी टीवी नहीं देखा था, मेरे घर टीवी नहीं था, 20 साल की हुई तो पहली बार टीवी देखा। Unbelievable। हमारी नजरें सेलिब्रिटी से हटेंगी तो हमें ऐसे लोग नजर आएंगे ना, भरे पड़े, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नई बात करना चाहते हैं। रिश्तीना को देख लो, बहुत अच्छा काम करी है सोशल मीडिया पे। कसूर हमारे आदमी का है, उस खबीस ने बाबा जान को मार दिया और ये उसे पकड़ के पुलिस का इंतजार करते हैं। चप्पल जेल में है, कानून की हिफाजत में है और हम उसका कुछ नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम उसको माफ कर देते हैं तो वो जेल से बाहर निकल, फिर हम वाजिद की मौत को बता दे सकते हैं। ठीक है, अरमगान की बीवी परिवर्ष का पता मिल गया है। परिवर्ष तो मर चुकी है लेकिन उसका बेटा जिंदा है। अबा अरमगान का बेटा? जी। अच्छा तो आप मुझे बताइए, आप किस टाइप की वीडियोस बनाना चाहती हैं सारिब के साथ? सारिब के साथ? सारिब के साथ हम बनाएंगे बच्चों की दुनिया, जिसमें हम बच्चों के बारे में हर तरह से बात कर सकें। बच्चों के ख्वाब क्या हैं, बच्चों के खौफ क्या हैं। बस मैं चाहती हूँ कि बच्चों की दुनिया देखने से लोगों को बहुत तालीम हासिल हो। 9 रोज जमेरात रात 8 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।